नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन द्वितीय चरण में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरीला पंचायत सचिवालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में AC विल्सन भेंगरा, प्रमुख मीना देवी, BDO कयूम अंसारी, CEO कृष्ण कुमार मरांडी, मुखिया सुधीर रजवार, पंचायत समिति सदस्य आरती चौरसिया, उद्योग विभाग की रीना कुमारी, कल्याण विभाग की अनीता कुमारी, सुनील पंडित, कांग्रेस नेता जैनुल अंसारी, रेणुलाल चौरसिया समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए थे। कई लोगों का मामला ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, वहीं कई मामलों के आवेदन दिए गए। इस दौरान BDO कयूम अंसारी ने कहा कि सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता आ रही है, जरूरत है सरकार को लिए गए आवेदनों पर काम हो। आइए देखते हैं और किसने क्या कहा और कैसे हुआ कार्यक्रम। मौके पर प्रमुख मीना देवी, मुखिया सुधीर रजवार, BDO कयूम अंसारी आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ आज हरला पंचायत में उपस्थित हुए हैं और अच्छी खासी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है सावित्री फुले भाई योजना जो है, इसके तहत ना ही सिर्फ हरीला पंचायत के बल्कि वैसे पंचायत जो इस पंचायत के बॉर्डरिंग इलाके चितवाड़ी वगैरह में अवस्थित है, उन वहाँ के बच्चों को भी यहाँ आकर फॉर्म जमा करके आच्छादित होना ये बतलाता है कि कैसे लोग इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक है और सभी योजनाओं का, विभिन्न विभागों का योजनाओं का पूर्ण लाभ लेने के लिए तत्पर है। और ये निश्चित रूप से मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके ही कवरेज और इनके प्रयास से लोगों में ये मैसेज गया है कि पंचायतों में आकर सभी योजनाओं का लाभ लेकर उसी स्थल पर ही ऑन द स्पॉट जो योजनाओं को आच्छादित कर सकते हैं हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और शेष योजनाओं का जो टाइम बाउंड है विद इन 30 डेज का, वो हम लोग उनको ऑनलाइन एंट्री करके 30 दिनों में निष्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज हम लोग हरीला पंचायत भवन के प्रांगण में आयोजित कर रहे हैं। आज इस कैंप में लगभग अभी तक 700 आवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन हम लोग को सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना, पेंशन से संबंधित योजना और जन्म मृत्यु से संबंधित योजना का मिल रहा है। साथ में पशुधन और अंचल विभाग से भी काफ़ी आज आवेदन प्राप्त हुए हैं। दो योजनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है पेंशन का, उसके लिए वृद्धा पेंशन के लिए 60 साल उम्र होना चाहिए, आधार वोटर कार्ड में आपका 60 साल उम्र है तो उसके साथ अपना बैंक पासबुक का जेरोक्स और आधार कार्ड का जेरोक्स के साथ आप फॉर्म भर दीजिए, आपका आवेदन वो पूर्ण हो जाता है एक फ़ोटो के साथ। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, 18 साल से अधिक उम्र के महिलाओं को मिलता है, उसके लिए आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर वो नहीं बना है तो आप उसका फॉर्म बेंगाबाद के चौक चौराहे गुंटी में मिलता है, उसको भर के पंचायत सचिवालय में मुखिया, पंचायत सचिव को या अन्य जनप्रतिनिधि को भी दे सकते हैं या डायरेक्ट ब्लॉक में दे सकते हैं। आपको 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है, इसके बाद आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन भर सकते हैं। विकलांग पेंशन 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, जवान और वृद्ध को मिलता है, उसके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यदि आपका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना है तो सदर अस्पताल में हर महीने के 8 तारीख और 25 तारीख को विशेष कैंप लगता है, वहाँ आप लाभुक को आधार कार्ड के साथ ले जाएं, आपका वहाँ विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा, तत्पश्चात आप विकलांग पेंशन का लाभ दे सकते हैं। जन्म मृत्यु एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके लिए उम्र से संबंधित सत्यापन किया जा सकता है, उसके लिए आपको फॉर्म भर के पंचायत सचिव को देना है, वो भी 3-4 पेज का फॉर्म होता है, वो आपको बेंगाबाद चौक में, खड़गडिया चौक में आराम से मिल जाता है, उसको भर के पंचायत सचिवालय में या ब्लॉक में दे सकते हैं। 21 दिन तक पंचायत सचिव अपने आप बना सकता है, 1 साल तक BDO के आदेश से बनता है, उससे पुराना वाला 1 रुपया का विलम्ब शुल्क के साथ SDO साहब के परमिशन से बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो जिनको भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है जन्म या मृत्यु का, वो फॉर्म भर के आप अपना पंचायत सचिवालय या ब्लॉक में जमा कर सकते हैं, ये दस्तावेज चाहिए।
सर, सावित्री बाई फुले योजना काफ़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहा है, जैसा कि हर कैंपों में देखा जा रहा है, सर इसका क्या, इस पर ये है प्रक्रिया क्या है, इसका कैसे जमा करेंगे? सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना एक नई योजना है जिसके तहत छठा से लेकर के 12वीं क्लास तक जो बच्ची सरकारी स्कूल में या सरकार जिस स्कूल को अनुदान देती है वहाँ पे नामांकित हैं, पढ़ रही हैं, उन सबों को 100% लाभ दिया जाना है, जिसमें छठा से 10वीं तक के बच्चे को 2500 रुपये, 11वीं 12वीं को 5000 रुपये के राशि उनके खाते में जाना है। उसके लिए उसको बैंक का खाता, आधार और फॉर्म भर के देना है, उसमें गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए होता है माता का और जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ के स्कूल का। ये फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होता है सर? ये फॉर्म विभाग द्वारा फ्री जेरोक्स कराया गया है और CDPO कार्यालय द्वारा कैंप में और ऑफिस में भी ये उसको मिल रहा है। यहाँ शिविर में मिल रहा है सर? जी, आप यहाँ शिविर में। विद्यालय क्या सरकारी होना चाहिए या प्राइवेट स्कूल में भी कोई बच्चे आए तो उसको भी? विद्यालय सरकारी विद्यालय होना चाहिए या किसी विद्यालय में सरकारी अनुदान मिल रहा है तो उसके बच्चे को। पंचायत में कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, यहाँ पे अधिक संख्या में सब महिलाओं लोग, पुरुष लोग लाभ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्ची लोग लाभ ले रहे हैं, इससे हम लोग को भी बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि हरला पंचायत की बच्ची लोग तो लाभ ले रही है, मैंने दूसरा पंचायत का भी, जैसे आपका बड़कीटांड का बच्ची भी आके यहाँ पे आवेदन दी है, चितमाडी का भी बच्ची आवेदन दी है, और एक जो समस्या आ रहा था राशन कार्ड वाला, जो राशन कार्ड का भी, जैसे ग्रीन राशन कार्ड है वो ग्रीन राशन कार्ड से लाल कार्ड बन जाएगा और उनको अनाज भी मिलेगा, ये सुनने में आया है कि जनवरी से अनाज मिलेगा। और जिनका पेंशन का आवेदन ले रहा है वो तो एकदम तुरंत ही कर दे रहा है, जिनका 60 हो गया है कागज पत्र सही पा रहे हैं उनका पेंशन तुरंत हो जा रहा है, साथ ही साथ हो जा रहा है, और जिनका कागज पत्र में थोड़ा सा त्रुटि पाते हैं वो तो रुक गए। और एक पेंशन है जैसे पेयजल का, जैसे PhD विभाग का, जैसे चापाकल आपके घर के सामने खराब है तो वो चापाकल का भी आवेदन देंगे, उसमें मोबाइल नंबर देंगे, निश्चित रूप से चापाकल बनेगा। और आपका एक समस्या हो रहा है जैसे बिजली का तार हर एक गाँव में जैसे जर्जर हो गया है, ट्रांसफार्मर नहीं है, जल गया है, और जिनका 2 बिल आता है तो 1 बिल से आप यहाँ पे आवेदन दीजिएगा तो निश्चित काम होगा। और यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है, यह सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी द्वार, आपकी योजना, आपकी द्वार, आपकी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार में हर जगह पंचायत में जा रहे अधिक से अधिक फॉर्म जमा हो रहे हैं, सभी विभाग का फॉर्म जमा हो रहा है, चाहेंगे लोगों को लाभ मिल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार के धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मुखिया पंचायत की ओर से, हरला पंचायत की ओर से, क्योंकि जो सरकार के जो कार्यक्रम जो चल रहा है सरकार आपके द्वार, इससे गरीब लोगों का काफ़ी फायदा हो रहा है। और सरकार से हम आशा और उम्मीद करेंगे कि जितना भी हम लोग यहाँ पर आवेदन ले रहे हैं वो सभी आवेदन के सरकार के माध्यम से सभी के काम हो जाए, जिसमें हरला पंचायत के मुखिया के भी नाम थोड़ा सा हो जाए और हमारा प्रशासन का भी BDO साहब, CEO साहब जो आए हुए, SC साहब आए थे, उनका भी नाम हो जाए। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हम गरीब का जो आवेदन लिए हैं उनका काम हो जाए, नाम हो जाए सबका और गरीबों का काम हो जाए। हरला पंचायत के सभी पंचायत में जितने भी आए हैं सबको बधाई देना चाहती हूँ, सभी विभागों को बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो है जो नया आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सब लोग भी उठ के यहाँ आए हैं, यहाँ का ग्रामीण को मिले फायदा और लोगों को लाभ मिल रहा है। जी मिल रहा है। पहले मैं पत्रकार भाई बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हमारे हरिला पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण का अहम भूमिका है एवं साथ ही हमारे पंचायत के मुखिया श्री सुधीर रजवार जी एवं पंचायत समिति सदस्य श्री मती आरती देवी जी का इसमें बहुत योगदान है एवं बहुत सारे पब्लिक यहाँ आए हुए हैं आशा लेकर कि हम जाएंगे वहाँ हमारा काम होगा, यही उद्देश्य से बहुत लोगों ने अपना अपना आवेदन दे रहा है, उन आवेदनों पर
प्रशासन एवं विभाग कार्य विभागीय अफसरों को चाहिए कि उस आवेदन पर कार्रवाई हो एवं उस आवेदन को कार्रवाई कर निष्पादन करने की कोशिश किया जाए जिससे आम पब्लिक को फायदा हो सके। कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार आज हरला पंचायत में हो रहा है। हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और यहाँ जो पदाधिकारी आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हरला के लिए समय निकाले हैं। और हम चाहेंगे कि जितना आवेदन मिला है इस पंचायत से ग्रामीणों के द्वारा उस पर विधिवत कार्रवाई हो और सभी आवेदन पर उसका कार्रवाई होते हुए कार्य हो ताकि मैंने इस पंचायत के नाम हो और इस प्रखंड का नाम हो और सरकार की योजना सफल हो। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।